हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का पार्ट 2 में लेके आया हूं। आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा निर्वात की विद्युतशीलता ε0 में संबंध। इसको μ0 ε0 भी पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। परीक्षा में ना हो, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है। क्या इन दोनों में संबंध है, ये हम निकालेंगे। बहुत छोटा वीडियो आज का है, ठीक से देखिए, आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। ε0 के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, μ0 के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये निर्वात की चुंबकशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों में क्या संबंध होता है, देखो। बहुत छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए एक बार। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि देखो μ0 इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ इससे पिछले वीडियो में बताया था। μ0/4π इक्वल टू 10⁻⁷, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या होता है? मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। समीकरण एक मान लो। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था पिछले यूनिट में। कौन सी यूनिट में? वैद्युत क्षेत्र। 1/4πε0 या 1/4πε0 इक्वल टू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, ये दोनों वैल्यू हम जानते हैं, अब इनमें संबंध निकल आएगा। देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ε0 इक्वल टू 1/4π × 9⁻⁹ देखो, ये हमने इंटरचेंज कर दिया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, चेंज हो गया। और इसका मात्रक अब क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको समीकरण हमने 2 मान लिया, ये समीकरण 2। आप देखो, समीकरण 1 बस समीकरण 2 की गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर दो। समीकरण 1 बा समीकरण 2 की गुणा करने पर क्या बनेगा? गुणा करने के बाद μ0 इक्वल टू 4π × 10⁻⁷, और यहाँ ऐसे लिख दो μ0 × ε0 बराबर, देखो इसकी वैल्यू लगाओ, 1/4π × 9⁻⁹ देखो 4π से तो 4π कट गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/9⁻⁹ ये देखो 10⁻⁷ है। इसको यदि हम नीचे ले आए तो 10⁻+7 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 10⁻+7, 10⁻⁷ ये। अब देखो, इन दोनों की अगर गुणा करें तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ μ0 ε0 बराबर, देखो क्या आएगा, 1/9⁻⁹ देखो गुणा में घातें जुड़ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3⁻⁸ का होल स्क्वायर। और ये क्या है? μ0 ε0। ये किसकी वैल्यू होती है? ये प्रकाश की चाल सी होता है। ये तो μ0, ये μ ऐसे करके बनाते हैं, ε0 इक्वल टू 1/c²। और अगर हम c² बराबर लिखें या c बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? देखो 1/μ0 ε0। अब c² था, अब वर्गमूल या तो पूरे पे लगा दो, और पूरे पर ना लगाओ तो इतने पर लगा दो, तब भी सही है। ये देखिए, अब ये सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। क्या निकल के आ गई? प्रकाश की चाल इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वर्गमूल के अंदर हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसकी वैल्यू हमने पिछली वीडियो में बताई थी, आपने 10th में भी पढ़ी होगी। यहाँ ये 1/4πε0 को बहुत न्यूमेरिकल करे थे, कूलाम का नियम पढ़ाया था, वहाँ इसको पढ़ाया था। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट देखो हमने इंटरचेंज कर लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, देखो ये आ गया। बहुत सरल, ये जो 10⁻⁻7 है नीचे आके प्लस की हो गई, हो गया, सॉल्व हो गया। यही करना होता है। तो बहुत छोटा वीडियो आज का है, इसको तैयार करिए और अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।